ओके okay, जी आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का आप लोग तो मौजूद नहीं है यहाँ पे तो बजाय इसके कि कोई नई चीज़ पढ़ी जाए एम okay. हमने डिस्कस करने थे आई सिक्सटीन के और आई थर्टी सिक्स के आ जाए आई जाए I16 और आई थर्टी सिक्स के एम डिस्कस करने थे तो आइए फिर वही डिस्कस करते हैं चाहे मुझे ये असगर है नीचे नहीं वो मेरी टी बैग बोली चाहे ठीक जजाक ओके जी आप लोग आ जाएँ पेज नंबर टू फिफ्टी फाइव पे और पेज टू फिफ्टी फ़ाइव पे आ, हम एम सी क्यू जैसे सिक्सटीन के शुरू करते हैं रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव वेन आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर स्टेटेड एट रीवेल्यूड अमाउंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कलोज शेल बी मेड भाई साहब फरमाते हैं कि अगर हम पी पी ई को रिवैल्यूड अमाउंट्स पर रखेंगे तो इसमें से कौन से डिस्कलूज हैं जो कि हमें देने चाहिए डिस्कलोयर आपको पता है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होते हैं एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरप्लस टू शेयर होल्डर्स ठीक है द कैरिंग अमाउंट ऑफ ट्रेरली आइडल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी फुली डेप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दैट इज स्टिल इन यूज ऑल ऑफ दर ओके जी हम चले जाते हैं डिस्क्लोयर्स पर वैसे तो हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि हम एक दफा ज़रा चीज़ें देख लें जहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है इस चैप्टर की वहाँ पर अगर हम आए तो ये पेज नंबर बनता है जहाँ पे डिस्क्लोजर्स हैं तो सवाल ही बड़े हैं माशाला ओके okay, पेज 136 पे लिखा हुआ जी डिस्क्लोजर फॉर एसेट्स स्टेटेड एट ए रीवेल्यूड अमाउंट्स ले जी आ, अगर आप इसका चौथा डिस्क्लोयर पढ़ेंगे ना तो लिखा हुआ है द रिवेल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग द चेंज फॉर द पीरियड एंड एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द बैलेंस टू शेयर होल्डर्स तो इसका मतलब है कि अगर हमने शेयर होल्डर्स पे कोई अगर हमने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी कि हमने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना तो वो भी आपने अपने डिस्क्लोयर में बताना है तो मेरे ख़्याल में 45 की अगर बात की जाए तो इसमें ए जो है वो तो लाजमी है ठीक है बाकी तीन चीज़ें जो है या बाकी दो चीज़ें वो यहाँ पर नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है डिस्क्लोयर्स हमें सिर्फ ए वाले चाहिए होंगे जो रिस्ट्रिक्शन हैं तो इसका आंसर जो है वो ए बनेगा ठीक है जी ओके अब हम फोर्टी फोर आते हैं एन एसेट वॉज परचेज ऑन फर्स्ट जनवरी दो फॉर रुपीज़ मिलियन विद यूजफुल लाइफ ऑफ छः साल एंड रेजिडल वैल्यू ऑफ दस मिलियन ठीक है जी हमारे पास कॉस्ट है यूजफुल लाइफ है और रेजिडल वैल्यू है ऑन यकम जनवरी 2020 इट इज़ रेवियल टू रुपीज़ वन ट्वेंटी मिलियन विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ तीन साल एंड एक्सपेक्टेड रेजिडल वैल्यू ऑफ रुपीज़ पंद्रह मिलियन हाउ मच एक्सेस डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर द ईयर एंड इकतीस दिसंबर दो हजार बीस सिम्पल कैलकुलेशन का सवाल है उसने हमसे ये पूछा है कि इकतीस दिसंबर दो हज़ार बीस जिसमें हमारा एसेट जो है वो रीवैल्यू हुआ है उस साल कितनी एक्सेस डेप्रीसिएशन जो है वो चार्ज होगी चलें जी हम अपना वही फॉर्मेट बना लेते डिस्क्रिप्शन एंड कॉस्ट। नहीं जी एसेट हमारा खरीदा गया है यह कम जनवरी दो हजार को कॉस्ट एसिड की है जी हंड्रेड मिलियन पहली डेप्रीसीशन इकतीस दिसंबर और सत्रह को कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी रेजिडुअल वैल्यू है सवाल के अंदर टेन मिलियन और यूजफुल लाइफ छः साल टेन मिलियन यूजफुल लाइफ छः साल और ये बना नाइन्टी पंद्रह का लबन एटी फाइव बुक वैल्यू फिर इकतीस दिसंबर अठारह पे भी सेम डप्रिसन पंद्रह की चार्ज होगी ये बन गया 70। इकतीस दिसंबर अठारह फिर इकतीस दिसंबर उन्नीस सेम डन पंद्रह की और एसेट हो गया पचपन का और फिर उसके बाद यकम जनवरी बीस को रिवेल्यूशन हुई है तो हम एक लाइन छोड़ के लिखेंगे रिवेल्यूड अमाउंट रिवेल्यूड अमाउंट कितनी है मेरे भाई 120 और यहाँ पे रिवेल्यूएसन सरप्लस बैलेंसिंग कितना बना जी रेवेलेशन सरप्लस बन गया हमारा पचपन सिक्सटी फाइव और इस साल जब हम डिप्रीसीशन करेंगे तो रिवाइज बुक वैल्यू और रेजल रेजल वैल्यू फिफ्टीन हो गई और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हो गई जी तीन साल चलिए जी अब इसको देखते हैं आज तो खुद ही कैलकुलेशन करनी है भाई 120 सौ बीस माइनस पंद्रह डिवाइड बाई तीन थर्टी तो डिप्रिसिएशन आ गया 35 फाइव उसने पूछा हुआ एक्सेस कितनी है सर 20 पहले 15 थी या 35 हो गई अच्छा ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी इतना सारा मैंने तो वैसे आपके सामने कर दिया ये करने की ज़रूरत नहीं थी एक साल के डिप्रिसिएशन निकालते बस पंद्रह पता लग जाता है एग्जिस्टिंग कितनी है उसके बाद जो डाटा उसने दिया हुआ है कि रिवैल्यूड अमाउंट हो गई 120 तो ये रिवाइज बुक वैल्यू यही होगी 120 सौ बीस वैल्यू भी उसने दी हुई है और रिमेनिंग उस लाइव दी हुई है तो बस एक साल के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके ना डायरेक्ट ये वाला काम कर लेता है तो पता लग जाना था बहरा ठीक है जी ओके उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री ड्यूरिंग द ईयर दो हज़ार उन्नीस एन एंटिटी परचेज अ मशीन फॉर रुपीज ट्वेंटी मिलियन टू बी यूज फॉर छः साल

रुपीज़ चार मिलियन कैन बी करंटली ऑप्टेंड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अ सिक्स ईयर ओल्ड सिमिलर मशीन वो कहता है कि छः साल पुरानी मशीन बिल्कुल इसी हालत में अगर उसको बेचा जाए तो चार मिलियन मिलते हैं रुपीज़ अठारह मिलियन कैन बी ऑप्टेंड इन दो हज़ार पच्चीस फ्राम डिस्पोजल ऑफ द मशीन इन प्रजेंट कंडीशन इसी हालत में मशीन को अगर बेचा जाए तो दो हज़ार पच्चीस में वो अठारह मिलियन की बिकेगी रुपीज़ सेवन मिलियन कैन बी ऑप्टेन इन दो हज़ार पच्चीस फ्राम डिस्पोजल ऑफ आ सिक्स ईयर ओल्ड सिमिलर मशीन देखिए इसमें जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा बी इसलिए बनेगा कि अगर आप पहले की बात करें तो सर वो तो फेयर वैल्यू है वो तो आ, इस हालत में मशीन को रखने के बाद बिकेगी हमारी तो छः साल इस्तेमाल होने के बाद मशीन की हालत कुछ और हो जाएगी वो सिमिलर तो नहीं रहेगी तो सिमिलर मशीन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा हम यानी मशीन को छः साल इस्तेमाल करने के बाद बेचेंगे तो रुपीज़ फोर मिलियन कैन बी करंटली ऑप्टेन तो अगर कोई छः साल पुरानी मशीन को बेच के हम आज चार मिलियन वसूल कर लेते हैं तो सर यही इसकी जो है वो रेजल वैल्यू कंसिडर होगी ओके और उसने रेजिडल वैल्यू दो हज़ार उन्नीस में मांगी हुई है तो छः साल पुरानी मशीन अगर आज बिकेगी तो चार मिलियन की है तो इसका मतलब है हमारी मशीन जब छः साल इस्तेमाल होगी तो वो भी चार मिलियन होगी तो इसका आंसर जो बनेगा वो बी बनेगा ठीक होगी बात ओके okay. <laughs> उसके बाद हम चलते हैं जी फोर्टी टू पे एन एंटिटी एक्वायर्ड लैपटॉप्स इन एक्सचेंज ऑफ डेस्कटॉप्स विच हैव कैनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज साढ़े चार लाख ओके एंड फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज एड ओ एक्सचेंज वाला सवाल आ गया द लिस्ट प्राइस ऑफ द लैपटॉप एक्वायर्ड इज रुपीज छः लाख द एंटिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे कैश ऑफ दो पचहत्तर इन दिस एक्सचेंज ट्रांजेक्शन द लैप लैपटॉप शुड बी इनिशियली सी ओके पहले सिनेरियो देखते हैं एन एंटिटी एक्वायर्ड लैपटॉप्स इन एक्सचेंज ऑफ अ डेस्टॉप्स विच है कैनिंग अमाउंट ऑफ साढ़े चार लाख जो एसेट जा रहा है उसकी बुक वैल्यू क्या बन है साढ़े चार लाख एंड फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज़ तीन लाख एट द डेट ऑफ एक्सचेंज ले जी जो एसेट जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू भी मौजूद है शायद ये तो पहला सिनेरियो है पहला सिनेरियो क्या था एक्सचेंज का उसमें जाने वाले एसेट और आने वाले एसेट दोनों की फेयर वैल्यू मौजूद होती है लेकिन इस्तेमाल तो हमने जाने वाले की करनी होती है तो रूल ये था कि जो एसेट जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू प्लस अगर कोई आपने कैश पे किया तो जो एसेट जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू तीन लाख दे दी गई है और नीचे लिखे एंटिटी इज ऑल्सो रिक्वायर टू पे कैश और दो पचहत्तर तो तीन लाख इज द फेयर वैल्यू दो पचहत्तर हमने कैश पे किया तो नए लैपटॉप पांच लाख पचहत्तर हजार पे रिकॉर्ड होने चाहिए तो इसका आंसर क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा बी ओके चलिए जी हाउ ऑफन शुड द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट बी रिव्यूड एसेट की यूजफुल लाइफ कब रिव्यू होनी चाहिए एवरी सिक्स मंथस एज एंड वेन द मार्केट वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज एट लीस्ट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड नवर हर साल के आखिर में ये काम होता है भाई हर साल के आखिर में ये काम करना होता है अपने एसेट की उस लाइफ महिर करनी होती है एस्टिमेट है ना सी देन वी हैव फोर्टी वैन एज वैन एसेट इज़ सोल्ड और डिस्पोज ऑफ वेयर इज द गेन और लॉस रिकोगगनाइज मतलब शर्मिंदा हो सवाल को पढ़ के जब भी एसेट को बेचा जाता है गेन और लॉस कहाँ पर रिकोगनाइज किया जाता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस रिवेल्यूशन रिजर्व डेप्रिसिएशन सर डिस्पोजल अकाउंट की मदद से तो हमारा गेन कैलकुलेट होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी गेन लॉस है उसको रिकोगनाइज करते हैं ठीक है जी आई ए जी थर्टी नाइन पे अ चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड इज़ अ पॉलिसी मेथड एस्टिमेट स्टैंडर्ड सर ये एस्टिमेट होता है बेसिकली डेप्रिसिएशन की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन है सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ़ द डिप्रिशियबल अमाउंट ऑफ द एसेट ओवर इट यूज लाइफ तो सर यह जो सिस्टम होता है ना ये असल में आपने एस्टिमेट करना होता है कि स्ट्रेट लाइन सूट करता है आपको या रिड्यूसिंग बैलेंस सूट करता है आपको तो so, जो भी मेथड है दिस इज एन एस्टिमेट आपकी एस्टिमेशन होती है कि आपका एसेट जो है वो इस हिसाब से वेरेंटियर हो रहा है तो इसीलिए यह चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है उसके बाद जी थर्टी एट पे नॉन करेंट एसेट वॉज परचेज ऑन जून वन यकम जून को हमने एसेट परचेज किया दो लाख सोलह हज़ार का इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ वॉज आठ साल एंड इट एक्सपेक्टेड रेजल्ट वैल्यू वॉज चौबीस हज़ार द एसेट इज डेप्रिशिएटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन मेथड द फाइनेंशियल ईयर इज फ्राम यकम जनवरी टू थर्टी फर्स्ट दिसंबर तो हमने यकम जून को पहले साल लिया तो पहले साल की पूरी डेप्रिसिएशन तो नहीं आएगी सात महीनों की आएगी द तो एसेट वॉज सोल्ड ऑन फर्स्ट सेप्टेंबर ईयर फोर फॉर रुपीज़ एक लाख तिरसठ हजार चौथे साल में ये एसेट एक लाख तिरसठ हजार का बिक गया डिस्पोजल कॉस्ट व रुपीज़ एक हज़ार इट इज़ द कंपनी पॉलिसी टू चार्ज अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इन इन द ईयर ऑफ एक्विजीशन एंड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल इन अकॉर्डेंस विद द नंबर ऑफ मंथ फॉर विच द एसेट वॉज हेड हमारी पॉलिसी ये है कि हम जब डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम डिप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेटली चार्ज करते हैं यानी अगर यम जून को ख़रीदा गया है तो यकम जून से लेके इकतीस दिसंबर तक ये डेप्रिसिएशन होगी पूरे साल की नहीं होगी इसी तरीके से एसेट जिस साल में बेचा गया है तो बेचने की डिप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ उन महीनों की होगी जितने महीनों में इस्तेमाल हुआ है पूरे साल की नहीं होगी तो ये बात तो मैं पहले से पता तो गेन लॉस मांग रहे हैं आपसे यार ये कोई मतलब सवाल है करने वाला चले खैर कोई बात नहीं अगर हम इसकी कैलकुलेशन भी करें तो पहले साल की अगर हम बात करें तो या कम जून पहला साल है जी डेप्रिसिएशन हो गई एसेट की कॉस्ट तो दो लाख सोलोगा रहा है ना और पहले साल की अगर बात करें तो दो लाख सोलह हज़ार का एसेट है इसकी एक्सपेक्टेड ज़िंदगी आठ साल तो इसमें से माइनस कर देंगे चौबीस हज़ार डिवाइड करेंगे आठ से लेकिन पहले साल तो ये इस्तेमाल नहीं हुआ ना पूरा जून से इस्तेमाल हुआ सेवन बाई ट्वेल्व करना पड़ेगा सेवन बाई ट्वेल्व तो सर अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाए तो डेप्रीसी कितनी कैलकुलेट होगी दो लाख सोलह हज़ार माइनस चौबीस हज़ार डिवाइडेड बाय आठ क्या ज़माने आ गया खुद कैलकुलेशन करनी पड़ रही है डिवाइड बाय बारह फिर कहते हैं ये कर लो जिंदगी आसान है पता नहीं कहाँ से आसान है खुदा पेश ही कर रहे जिंदगी हमारी आसान है इसलिए कहता हूँ भाई आपकी ज़िंदगी आपकी माशाला बड़ी ज़बरदस्त है दो लाख दो हज़ार ये आगे जी ईयर वन पे उसके बाद ईयर टू तो की डेप्रिसिएशन दो लाख सोलह हज़ार माइनस चौबीस हज़ार डिवाइडेड बाय आठ तो डेप्रीसी कितनी होगी जी दो लाख सोलह हजार माइनस चौबीस हजार डिवाइडेड बाय आठ चौबीस हजार ही डिप्रीसीशन आ गई जी अब तीसरे साल में भी सेम और चौथे साल में भी सेम डे चौथे साल भी बोला हुआ ना उसने हाँ जी उसने ये बोला हुआ है कि चौथे साल हाँ कम सितंबर को बेचा ना ईयर फोर में तो चौथे साल की डेप्रिसिएशन आठ महीने की होगी ना तो ये आठ महीने हो जाएंगे चौबीस हज़ार इंटू एट बाई ट्व तो चौबीस हज़ार इंटू एट डिवाइड बाई ट्वेल्व सोलह हज़ार की डिप्रेसन चौथे साल क्योंकि पूरा साल तो एसिड इस्तेमाल नहीं हुआ अब सर ये इसमें से सारी डिप्रिससन माइनस करें हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी दो लाख दो हज़ार माइनस चौबीस हज़ार माइनस चौबीस हज़ार और माइनस सोलह हज़ार कहाँ पर लिख के एसिड कितने का बेकार ओके okay, एक लाख अठतीस हज़ार बुक वैल्यू एसेट के आगे जी वन हंड्रेड एंड थर्टी एट थाउजेंड ओके जी तो कॉस्ट है क्या करेंगे अब डिस्पोजल अकाउंट बनाए वैसे ना भी बनाएं जरूरत नहीं है लेकिन चले हम बनाते हैं तो बना लेते हैं वी विल क्रेडिट ही एसेट अकाउंट में थे कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ तो एसेट अकाउंट क्रेडिट तो डिस्पोजल डेबिट तो कॉस्ट ये हो गया वी विल डेबिट दिएूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब तक हो चुकी है मेरे भाई अठहत्तर हज़ार की सेवेंटी एट थाउजेंड वी विल रिकॉर्ड कैश डेबिट कैश क्रेडिट डिस्पोजल वन सिक्सटी थ्री और आपको बताया था कि डिस्पोजल जो है वो भी डिस्पोजल कॉस्ट जो है वो भी यहीं पर रिकॉर्ड कर दिया करें एक हज़ार तो बैलेंसिंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस है देख लेते हैं माइनस पता नहीं क्या बनता है सही भी मैंने कैलकुलेशन किए हैं कि नहीं <coughs> uh, ये साइड हैवी लग रही है मुझे ये साइड हैवी है 163 प्लस सेवनटी प्लस 1000 माइनस दो लाख सोलह हज़ार ओके और इसको सॉरी 162 करना ना गलत हो गया इट्स नॉट 163, इट्स 162 क्योंकि हमने डिस्पोजल कॉस्ट को नेट ऑफ करके लिखना है तो नेट ऑफ करके अगर हम लिखेंगे तो फिर ही तो कैश एक हज़ार का आएगा ना तो दो चालीस ए बना दो सो माइनस किया तो सर बैलेंसिंग फिगर मेरे हाल में यहां पे बनती है तो यहाँ पे तो गेन आता है मेरे भाई तो देखें कोई गेन की ऑप्शन है बिल्कुल ए इज द गेन ऑप्शन गलती नहीं हुई जी ओके उसके बाद सेंतिस अ नॉन करेंट asset कॉस्ट रुपीज छियानवे हज़ार एंड वॉज परचेज ऑन फर्स्ट जून ईयर वन इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ फॉर पांच साल एंड इट्स एक्सपेक्टेड रेजटल वैल्यू वॉज सोलह हज़ार द एसेट इज डेप्रिशिएट बाई द स्टेट लाइन मैथड द एसेट वॉज सोल्ड ऑन यकम सेप्टेम्बर ईयर थ्री फॉर सिक्सटी एट थाउजेंड देर आर नो डिस्पोजल कॉस्ट इट इज़ द कंपनी पॉलिसी टू चार्ज एप्रिसिएशन ऑन अ मंथली बेसिस द सर यह सवाल बिल्कुल वैसा है ये आप कर सकते हैं कोई चेंज नहीं है इसके अंदर बट डिस्पोजल कॉस्ट उसने नहीं दी हुई बाकी तमाम काम वैसा है तो ये काम तो आप कर सकते हैं उसके बाद कहता है जी, 1, 2008 2 25 एक प्लांट है जी उसको यकम अप्रैल दो हज़ार आठ को खरीदा गया बीस लाख रुपए का और इसकी डेप्रिसिएशन हो रही है जी पच्चीस परसेंट ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस वट वुड बी इट्स रेजिडल वैल्यू आफ्टर इट यूज लाइफ ऑफ पांच साल यार मतलब क्या किस तरह के सवाल दे मतलब है यार मतलब शर्मिंदा उम्र है आपकी सवाल करने की तो भाई टू मिलियन का अगर एसेट है उसकी कॉस्ट है तो सर पाँच साल डेप्रिशिएट करके देख ले उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या आती है बस ठीक है क्या प्रॉब्लम है इसमें ठीक है जी नहीं बोलेंगे फिर नहीं बोलेंगे फिर खामोश है और सुकून हो गया मैच देख के बड़े मैच देख रहे थे ऊनर आउत साढ़े तीन हो है चलें जी क्वेश्चन पैंतीस सर आप देखते हैं मैच आप नहीं देखते यार अच्छा करते हैं आप ये तो ऐसे सारे वेले लोग हैं देखिए मैं देख देख के क्या हाल हो गया अब घरों में बैठेंगे ना देखते मैच तो यहाँ पर आए होते लेकिन अभी भी इनकी मौजें लगी सर ये माशाला से समझते हैं कि नहीं हमारी जिंदगी में टेंशनें बढ़ी हैं लेकिन यशी से घर में कम्बलों में बैठ के हाथ में कॉफ़ी के कप पकड़े में लेक्चर सुनते हैं वो भी टू पॉइंट फाइव पे मतलब वैसे ही लेक्चर घंटे सवा घंटे का होना है ऐसा दस्ती ख़त्म हो जाना है यशी लगी इन लोगों की कोई नहीं अल्लाह पूछेगा उससे पहले आ क्या पूछेगा एन एंटिटी एक्वायर्स अ प्लांट इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी विच हैज कैनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज़ सात लाख साठ हज़ार एंड फेयर वैल्यू साढ़े सात लाख एट द डेट ऑफ एक्सचेंज नहीं जी हमने एक प्लांट एक्वायर किया पुराने प्लांट के अगेंस्ट जिसकी कैनिंग अमाउंट थी सात लाख साठ हज़ार और इसकी फेयर वैल्यू थी साढ़े सात लाख एट द डेट ऑफ एक्सचेंज द लिस्ट प्राइस ऑफ प्लान एक्वायर्ड साढ़े आठ लाख जो प्लांट हमने एक्वायर किया उसकी लिस्ट प्राइस थी साढ़े आठ लाख द इज टू पे कैश और रुपीज़ पचपन हज़ार इन दिस एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हमने पचपन हजार रुपये एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में भी पे किया एट विच अमाउंट द एक्वायर्ड प्लांट शुड बी निशली रिकग्नाइज ओके करना क्या है सैनैरियो देखते हैं एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है जो प्लांट जा रहा है ठीक है उसकी हमें फेयर वैल्यू मौजूद गिवन नहीं है ठीक होगी बात तो इसका मतलब है कि अब जो प्लांट आ रहा है उसकी फेयर वैल्यू हमारे पास मौजूद है और वो है कितनी वो है साढ़े सात लाख तो सर क्या करेंगे अब नए प्लांट साढ़े सात लाख और हमने साथ पचपन हजार कैश भी पे किया तो सर साढ़े सात लाख जमा पचपन हजार क्या ये हमारे लिए कॉस्ट होगी जी बिल्कुल हमें आठ लाख पांच हजार पे इस एस एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा नहीं नहीं सॉरी 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 मैं गलत कह गया आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी मेरे से अल्फाज में गलती हुई ये फेयर वैल्यू ओल्ड मशीनरी की है ओके आई एम सॉरी ये क्योंकि जब दूसरा सिनेरियो होता है और नया प्लांट हम एक्वायर करते हैं उसको तो हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं उसमें फिर कैश पेमेंट उसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं आई एम सॉरी ये बेसिकली ओल्ड मशीनरी जो चली गई है उसकी फेयर वैल्यू मौजूद है तो अगर उसकी फेयर वैल्यू मौजूद है तो ये पहले वाले सिनेरियो है तो हमने क्या करना है जी पुराना जो प्लांट गया उसकी फेयर वैल्यू प्लस एनी कैश पेड तो साढ़े सात लाख में आप पचपन हज़ार ऐड करेंगे तो ये आठ लाख पाँच हज़ार बनेगा और डी ऑप्शन जो है वो बनेगी ओके तो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन ओके थर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है अ स्टैंड बाय जनरेटर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर सेवन ईयर्स अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रीसेल अ बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर्स अ जनरेटर फॉर रेंटल टू अदर्स देखिए आपने वो पढ़ा नहीं हुआ आई एफ आर एस फाइव है अ प्लॉट ऑफ लैंड हैल्प फॉर री सेल बस इतनी बात समझ लें कि ये जो बी है ना जिसको हमने सेल के लिए रखा हुआ है ये आई सिक्सटीन नहीं है इसको हम किसी और स्टैंडर्ड में ले जाके क्लासीफाई करते हैं क्योंकि आई सिक्सटीन में वो एसेट्स आते हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे होते हैं ये इस्तेमाल नहीं हो रहा ये तो बिकने के लिए पड़ा हुआ है तो इसलिए हम बी को आई एस सिक्सटीन में नहीं गिराएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पानी नहीं पड़ा हुआ ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज इन कर ड्यूरिंग द कमर्शियल प्रोडक्शन ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लान वुड बी टू वो कहता है कि भाई जान जब आप प्लान्ट को नया नया इस्तेमाल करना शुरू करते हैं पड़ा हुआ भा, मज़रत भाई मुझे बता देते पड़ा हुआ बस बस ठीक है बैठे जजाकल्ला भाई तो भाई अगर आप प्लान को नया नया इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो नया नया प्लान जो है उससे आपको कुछ ना कुछ लॉसेज आते हैं तो वो जो लॉसेज आते हैं उनका क्या करना होता है कैन को कैपिटलाइज एज अ डायरेक्टली एट्रीब्यूट कॉस्ट कैपिटलाइज करना होता है डेफर एंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट इज़ अर्न फ्रॉम द प्लांट हम डेफर कर दें और प्रॉफिट एंड लॉस में तब चार्ज करें जब प्लांट से प्रॉफिट आए चार्ज डायरेक्टली टू रिटेन अर्निंग सिंस दीज आर नॉट कंस टू बी नॉर्मल ऑपरेटिंग लॉसेज चार्ज टू प्रॉफिट लॉस देखें प्रॉफिट लॉस में चार्ज होते हैं नो तो ऑपरेटिंग लॉसेज हैं क्योंकि हम तो एसेट को कैपिटलाइज करना तब रोक देते हैं जब वो अवेलेबल फॉर यूज़ होता है उसके बाद सब्सिक्वेंट कैपिटाइजेशन सिर्फ उस वक्त होती है अगर खर्चे से एसेट की परफॉर्मेंस से यूजफुल लाइफ बेहतर हो तो ये वाले प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएंगे ओके उसके बाद है जी बत्तीस एन आई टी इक्विपमेंट बींगड एट रिवोल्यूशन मॉडल हैज रिवोल्यूशन रिजर्व बैलेंस ऑफ पचास हजार ठीक है हमारे पास रिवोल्यूशन रिजर्व में पचास हजार पड़ा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर इट रिड्यूसिस वैल्यू टू टू टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोल्यूशंस साल के दौरान हमने अपनी इसने अपनी वैल्यू कम कर दी टेक्नोलॉजी की वजह से इट हैज सत्त रुपीज़ सत्तर हज़ार डिक्रीज इन वैल्यू वट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन डिक्रीज सर पचास हजार का बैलेंस पड़ा हुआ है ठीक है पचास हजार के बैलेंस के बाद अब क्या होगा जी सत्तर हजार की कमी हो गई तो हम क्या करेंगे इस सत्तर हजार में से पहले पचास हजार के सरप्लस को खत्म करेंगे और बकाया बीस हज़ार प्रॉफिट लॉस में ले जाएंगे पार्ट ए कहता है डिक्रीज ऑफ पचास हज़ार इज डेबिटेड टू रिजर्व एंड रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड टू प्रॉफिट लॉस फॉर है अभी बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है कि रिवेल्यूशन रिजर्व हम पचास हज़ार से कम करेंगे बीस हज़ार प्रॉफिट लॉस में जाएगा बाकी भी पढ़ लेते हैं द डिक्रीज ऑफ पचास हज़ार इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड टू रिवेलूशन रिजर्व फॉर द ईयर तो पचास हज़ार प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया और बीस हज़ार नहीं सर ये कहाँ होता है होल्ड डिक्रीज इज डेबिट टू रिवेल्यूशन रिजर्व नहीं भाई यही पचास हज़ार तो सत्तर कैसे कर सकते हैं द होल डिक्रीज इज डेब टू प्रॉफिट लॉ और नहीं हो सकता भाई सारा कैसे हो सकता है पचास हज़ार पहले आपके पास रिवेलूशन रिजर्व पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे हम इसको पहले पचास हजार को खत्म करेंगे और फिर बकाया बीस हज़ार हम प्रॉफिट लॉस में लेके जाएंगे उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अ बिल्डिंग इज रीवेल्यूड अपवर्ड्स बाई रुपीज़ टू मिलियन बिल्डिंग जो है वो रिवेल्यू हो गई दो मिलियन से इट वॉज रिक्वायर्ड फाइव ईयर्स अगो फॉर रुपीज़ दस मिलियन ओके इट्स यूजफुल लाइफ रिमेन्स सेम एज ट्वेंटी ईयर वट इज दैन क्रीमेंटेडन चार्ज फॉर द ईयर तो ठीक है मेरे भाई अगर दस मिलियन की मशीन है आ, बिल्डिंग है इसकी यूजफुल लाइफ बीस साल है तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट फाइव मिलियन हम हर साल डेप्रीसीन या पांच लाख की डेप्रीएसन हम हर साल चार्ज कर रहे हैं ओके अब हुआ क्या हुआ यह कि इसको हमने दो मिलियन से बढ़ा दिया जब हमने दो मिलियन इसका रिवेल्यूशन किया तो इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई वो ऑब्वियसली आपको बुक वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने ये किया और देखना पड़ेगा कि वैल्यू कितनी होगी क्योंकि उसने यहाँ पर अमाउंट नहीं दी हुई उसने बताया कि दो मिलियन अपवर्ड्स हो गई एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू से अपवर्ड्स हो गई तो एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू के लिए अब आपको ये सारी वर्किंग करनी पड़ेगी तो ये सारी वर्किंग कर लीजिएगा बुक वैल्यू निकाल लीजिएगा जो भी है उसको दो मिलियन अपवर्ड कीजिएगा नए एस्टिमेट पर डेप्रिसिएशन कीजिएगा देख लीजिएगा कितनी आती है एग्जिस्टेंस से डिफरेंस ले लीजिएगा बिल्कुल ऐसे जैसे यह सवाल हुआ थर्टी एन अपार्टमेंट इज़ रिवेल्यूड अपुपीज़ वन मिलियन इट वॉज रिक्वायर्ड फाइव ईयर्स अगो फॉर रुपीज़ पाँच मिलियन इट्स यूजफुल लाइफ रिमेन सेम वट इज़ द रिवाइज डेप्रिसिएशन चार्ज तो ठीक है सर सेम वही काम है कि आपने करना क्या है आज से पाँच साल पहले अगर खरीदी थी तो पाँच साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करके देख लें आज बुक वैल्यू कितनी है उस बुक वैल्यू को वन मिलियन बढ़ा दें और वन मिलियन बढ़ाने के बाद जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है पाँच साल रह गए पाँच साल गुजर गए तो पाँच साल रह गए उस पर क्या करें जी उस पर आप रिवाइज डेप्रेशन चार्ज निकाल लें मसला ही कोई नहीं देन वी हैव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सादी लिमिटेड फॉर द मोस्ट रिसेंट ईयर इंडिकेटेड द फॉलोइंग रिवेल्यूएशन लॉस ऑन प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट जी रिवेल्यूशन लॉस ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ट्रांसफर ऑफ रिवेल्यूशन सरप्लस टू रिटेन डरिंग रिवेल्यूशन गेन ऑन नॉन करंट एसेट डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट विच ऑफ द अबव इन्वॉल्व अ मूवमेंट ऑफ कैश कहते हैं इन सब में से कैश किस में इन्वॉल्व है सर रिवेल्यूशन लॉस में कोई कैश होता है नहीं सर ये तो हवा में बातें हो रही होती हैं ट्रांसफर ऑफ रिवेल्यूशन सरप्लस टू रिटेन डर्निंग कोई कैश होता है नहीं सर ये भी हवा में एक एंट्री हो रही होती है रिवैल्यूएशन गेन और नॉन करंट एसेट एसेट को रिवैल्यू करने पे गेन हो गया नहीं सर ये भी हवा में बातें हो रही होती है लेकिन जब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डिस्पोज ऑफ होता है ना तो कैश मिलता है तो इसका मतलब है इस केस में कैश इन्वॉल्व है और मेरे ख्याल में डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन सिर्फ फोर के अंदर कैश इन्वॉल्व है उसके बाद आ जाए अट्ठाईस पे अट्ठाईस में कहता है जी द फॉलोइंग गेंस में लीगली बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंपनी बाय शेयर होल्डर्स ये गेन हम कंपनी से निकाल सकते हैं गेंज़ दैट अराइज़ फ्रॉम द अपवर्ड रिवेल्यूएशन ऑफ नॉन करेंट एसेड क्या जो नॉन करेंट एसेड्स को अपवर्ड अगर हम करें रिवेल्यू करें तो उस पर जो गेन आता है वो शेयर लो निकलवा सकते हैं गेंज़ दैट अराइज फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करेंट एसेड सर ये जो पॉइंट नंबर वन है जब हम एसेट को रिवेल्यू करते हैं वो सर ये तो हवा में गेन होता है सिर्फ एक ठीक है ये हवा में गेन होता है ये लीगली तो नहीं हम निकलवा सकते भाई हम लीगली तो वो निकलवा सकते हैं जो रिटर्न रर्निंग में होता है ठीक है तो इसीलिए हम इस चीज़ को तो नहीं कहते कि ये लीगली निकलवा सकते हैं हाँ अगर आप एसेट को बेचेंगे बेचने पे गेन आएगा वो गेन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और वहाँ से रिटर्निंग में जाएगा वो आप निकलवा सकते हैं मेरे ख्याल में ऑप्शन जो टू है वो ठीक है ऑप्शन वन जो है वो मुझे ना कुछ गलत गलत लग रही है मुझे लग रहा है झूठ बोल रही है तो अट्ठाईस का मेरे ख्याल में डी आंसर है सत्ताईस पे आइए वो मैन वो आ गया जिसका सबको इंतज़ार था ओके ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अकमल लिमिटेड हैड द फॉलिंग इंक्रीज इन रिज़र्व अकमल साहब के रिजर्व जो है वो इंक्रीज हो गए बजा। रुपीज़ फाइव मिलियन फ्रॉम माई रिवेलूशन ऑफ़ फ्री होल्ड प्रेमिस एक फ्री होल्ड प्रेमिस होती है एक जगह एक जगह इन्होंने जो है फ्री होल्ड उसको रिवेल्यू कराया दस मिलियन शेयर प्रीमियम में पच्चीस मिलियन फ्राम ट्रेडिट प्रॉफिट अटेंड ओके विच ऑफ दीज आर इंक्रीज इन कैपिटल रिज़र्व इसमें से कौन से जो हैं वो कैपिटल रिज़र्व में इंक्रीज करेंगे अब यहाँ पे कहानी ना थोड़ी सी ज़रा बात कर लेते हैं देखिए जो शेयर प्रीमियम होता है ना शेयर प्रीमियम ये होता क्या है जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के नतीजे में ना कंपनी के कुछ शेयर्स होते हैं ठीक है मिसाल के तौर पे अगर उन शेयर्स की वैल्यू दस रुपये है बाय डिफॉल्ट उसकी जो फेस वैल्यू है वो दस रुपये होती है ओके तो आप अगर ये शेयर्स इशू कर दें पंद्रह रुपये के हिसाब से ठीक दस रुपए फेस वैल्यू के शेयर अगर आपने पंद्रह रुपए के हिसाब से कर दिए तो फिर क्या होगा होगा ये कि आप कहेंगे कि मेरा जो शेयर कैपिटल कंपनी का है दैट <coughs> इज दस और ये ऊपर पांच आपको प्रीमियम मिला है। इसको शेयर प्रीमियम बोलते हैं वही बात है कि किसी को सौ वाला नोट ना आप एक सौ बीस का बेच दें सौ वाला नोट एक सौ बीस का बेच दिया तो सर सौ तो उसकी फेस वैल्यू थी जो आपको मिल गए बीस रुपये आपको प्रीमियम मिल गया ऊपर इसको बोलते हैं शेयर प्रीमियम इसकी भी हैसियत ना बस ये समझें शेयर कैपिटल की तरह ही होती है इनशाला इसका इस्तेमाल ना हम करेंगे जाके स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी वाले टॉपिक में तो मेरे भाई अब हुआ क्या कि फॉलोइंग इनक्रीज इन रिज़र्व हुए तो कैपिटल रिजर्व के अंदर ना यही चीज़ें आती हैं शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम जो बाकी चीज़ें हैं ना वो इस कैपिटल रिज़र्व में नहीं आती तो सी का जो आंसर है दैट इज़ सी इज़ द आंसर वन एंड टू ये कैपिटल रिजर्व है छब्बीस पे आइए छब्बीस में कहता है जी एन एंटिटी हैज़ अ पॉलिसी ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट एन एसेट कॉस्ट रुपीज़ पाँच मिलियन ऑन यकम जनवरी दो हज़ार बीस एड हैज़ अज़फो लाइफ ऑफ पाँच साल एंड इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस टू आर जीरो रेजिडल वैल्यू ओके हम रिवैल्यूशन मॉडल पे है और एक एसेट जिसकी कॉस्ट पाँच मिलियन है यकम जनवरी को और उसकी यूजफुल लाइफ पाँच साल है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिशिएट होता है जीरो रेजिडल वैल्यू है द वैल्यू ऑफ़ द एसेट वॉज थ्री पॉइंट एट मिलियन द फॉल इन वैल्यू विल बी अकाउंटेड फॉर एस फॉलोस तो एसेट की जो वैल्यू में डिक्रीज है वो कैसे होगा मेरे भाई विल बी अकाउंटेड फॉर मतलब क्या मतलब एसेट गिर गया नीचे ओके ऑफ वन मिलियन अच्छा ओके डेप्रिसिएशन की वजह से भी वैल्यू गिर रही है और हो सकता है कि रीवैल्यूएशन भी करवाई हो और वैल्यू गिर गई हो तो सर रीवैल्यूएशन तो चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन भी चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो दोनों ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएंगे तो मेरे ख्याल में डेप्रिसिएशन ऑफ वन मिलियन एंड फॉल इन वैल्यू ऑफ दो लाख बोथ रिजर्व ओ नई रिजर्व में किधर जाएगा भाई डेप्रिसिएशन ऑफ वन मिलियन टू द इनकम स्टेटमेंट ये बात दुरुस्त है एंड फॉल इन वैल्यू इग्नोर्ड एनी इग्नोर्ड वजह इग्नोड डेप्रिसिएशन रुपीज़ वन मिलियन टू तो इनकम स्टेटमेंट एंड फॉल इन वैल्यू टू ओ नई रिजर्व में कैसे जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ वन मिलियन एंड फॉल इन वैल्यू ऑफ़ रुपीज़ दो लाख बो टू इन हाँ ये बात दुस्त है तो डीज़ द राइट ऑप्शन डेप्रिसिएशन और फॉल इन वैल्यू दोनों की जाएंगे दोनों ही इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे सर बारिश हो रही है बात ओके यार ऐसी लगी है लोगों की यार बारिश में घर बैठे एक हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं हमें किसी ने कहा था सी ए कर लो जिंदगी आसान है पता नहीं कहाँ से आसान ख्वार किया हुआ है यार मतलब सुबह सुबह बुला लेते हैं यार मतलब खुद आते नहीं है यार ये जी भी अच्छी लगी है लोगों की कोई बात नहीं बेटा अपना भी अपना अपना जमाना आएगा भाई टाइम नहीं आएगा जमाना आएगा टाइम तो तब आता जब है जब डॉक्टर कहते हैं ले जाए इनको टाइम आ गया सर वो जरा चाय का पता कीजिएगा ज़रा मेरी बैटरी काफ़ी डाउन हो गई है और कुछ नहीं तो चल चाय पी लें ये तो आए नहीं आज लोग यार मतलब लेवल है आप लोगों का यार मतलब छुट्टी करके बैठ गए यार सारी छुट्टी करके कोई एक तो आ जाता तो है वो से ही आ जाता है यार नहीं आए कोई नहीं वो कल ही आ जाना खुद आगे बोल दो, दो आगे चले जी सवाल नंबर पच्चीस विच ऑफ द मतलब पेपर मेरा है मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे अकेला बैठा मतलब जी विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीज़न फॉर रिपोर्टिंग नॉन करंट एसेट एट रिवोल्यूशन अमाउंट रादर देन कॉस्ट वो कहते हैं जी इसमें से कौन सी जो है वो एक मुनासिब रीज़न नहीं है एक नॉन करंट एसेट को रिवेल्यूशन पर रिकॉर्ड करने की कॉस्ट के अलावा ओके okay जी अब करना क्या है जी टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म एसेट्स फ्रॉम बींग रिपोर्टेड एट आउट ऑफ डेट हिस्टोरिकल कॉस्ट टू कीप ओनर्स ऑफ द बिजनेस बेटर इन फॉर्म ऑफ द इक्विटी इन द बिजनेस टू रिपोर्ट परफॉर्मेंस करेक्टली बाय मैचिंग अर्निंग्स विद द प्रॉपर कॉस्ट ऑफ एसेट यूज टू एवॉयड हैविंग टू पे हायर टैक्सेस ओके होता क्या है मेरे भाई वो ये बात कर रहा है कुछ कंपनीज़ कहती हैं हमने अपने एसेट्स को कॉस्ट पे रखना है और कुछ कंपनीज कहती हैं कि हमने अपने एसेट्स को रिवेल्यूशन पे रखना है ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है अब यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि अगर हम अपने नॉन करेंट एसेट्स को कॉस्ट की बजाय रिवेल्यूशन पर ले जाए ओके हम अपने एसेट्स को कॉस्ट से रिवेल्यूशन पर ले जाएँ तो इसमें से कौन सी वजह वैलिड नहीं है ठीक है या चले हम एक काम करते हैं हम कहते हैं कौन सी वजह वैलिड है कि हम रिवेल्यूशन पर ले जाए टू प्रिवेंट लॉन्ग लाइफ एसेट्स फ्रॉम बीइंग रिपोर्टेड एट आउट ऑफ डेट हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कहते हैं कि जब हम एसेट को कॉस्ट से रिवेल्यूशन पर ले जाते हैं ना तो हम क्या कर रहे होते हैं अपने एसेट्स की वैल्यू को चूँकि रिवेल्यू कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट हर साल ही रिवेल्यू कर रहे होते हैं तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर ना उनकी वो पुरानी बीस साल पुरानी कॉस्टें नहीं आ रही होती ठीक है अब मिसाल के तौर पे किसी ने अगर वहीकल खरीदी थी पंद्रह लाख रुपए की और आज वो हो गई हुई है पचास लाख रुपए की तो मेरे भाई वो यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जी ये ना गलत बात होती है कि आप पंद्रह लाख का एसेड रिकॉर्ड दिखाई जा रहे हैं हालांकि आज तो उसकी वैल्यू पचास लाख हो चुकी हुई है तो इसीलिए वो कहता है कि रिवोल्यूशन पर लिखने की वैलिड रीज़न ये है कि आपका एसेट जो है ना वो एक अच्छी वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है ये बात तो वैलिड रीज़न है हम वैलिड निकाल लेते हैं नॉट वैलड हुई निकलेगी कीप ओनर्स ऑफ द बिजनेस बेटर इन फॉर्म ऑफ द इक्विटी इन द बिजनेस। ये सर क्या हो गया अचानक से सर जी हाँ हाँ पॉज कर दें। ओके okay जी मेरे भाई शुरुआत करते हैं जरा मसला हो गया था एक ले जी बी पार्ट हम पढ़े थे टू कीप ओनर्स ऑफ द बिज़नेस बेटर इन फॉर्म ऑफ देर इक्विटी इन द बिजनेस भाई अगर आप अपने एसेट को रिवेल्यू पर रिवोल्यूशन मॉडल पर रखेंगे तो इससे मालिकान को जो है वो बेहतर इन्फॉर्मेशन का पता लगेगा कि उनका बिजनेस में कितना सरमाया लगा हुआ है तो बिल्कुल बात दुरुस्त है जी असल में होता ही यूँ है कि जब आप अपने एसेट को रिवल्यूशन मॉडल पर रखते हैं ना तो रिवोल्यूशन मॉडल पर रखने से आपके एसेट को रिवेल्यू किया जाता है हर साल जब रिवेल्यू किया जाता है तो असल में वो रिवेल्यूशन उस एस, एसेट की वर्थ होती है और अगर वो उस एसेट की वर्थ होती है तो इसका मतलब है उस एसेट को बेचने से इतने पैसे आपको मिल जाएंगे तो ये बात आपको पता है कि एसेट होते हैं कैपिटल प्लस लाइब्रिटीज़ के बराबर तो अगर आप एसेट में से लाइब्रिटीज़ निकाल दें तो वो कैपिटल है अब अगर ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ा हुआ है एसेट आपका तो इसका मतलब है कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट में से लाइब्रेटीज़ माइनस करेंगे तो कैपिटल आएगा हालांकि वो ट्रू पिक्चर तो नहीं है असल में तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं ये सेट बेच रहा हूँ बेच के मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं असल वर्थ तो ये है तो फिर जब आप असल वर्थ में से लाइबिलिटीज़ माइनस करते हैं ना तो आपको पता लगता है हाँ भाई इतने पैसे मेरे पास है इतनी वैल्यू है ये बिल्कुल वही बात है कि आपने अपनी गाड़ी पंद्रह लाख की खरीदी थी तो आपने पंद्रह में से अपनी लाइबिलिटीज़ माइनस की तो आप दुनिया को बताते फिर रहे हैं मेरे पास तेरह रुपये की इक्विटी है हालांकि वो गाड़ी आप पंद्रह की नहीं आज देखेंगे तो वो चालीस की हो चुकी हुई है उसकी रिवेल्यूशन कराएं तो असल में तो आपकी इक्विटी अठतीस रुपये की है इसलिए वो ये कह रहा है कि इन ओनर्स को अगर आप बेहतर आइडिया हो जाता है कि भाई उनकी इक्विटी की वैल्यू क्या है तो ये भी वैलिड रीज़न है टू तो रिपोर्ट परफॉर्मेंस करेक्टली बाय मैचिंग अर्निंग्स विद द प्रॉपर कॉस्ट ऑफ एसेट एसेटू ठीक है जी ये भी बात दुरुस्त है कि हम अपने एसेट की प्रॉपर कॉस्ट लें और अर्निंग्स को उसके साथ प्रॉपर मैच करें क्योंकि आपको पता है जब हम रिवेल्यूशन करेंगे तो रिवेल्यूशन करने के बाद एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी वट एवर द केस में भी और डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगी वो डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज होगी इसीलिए कि उस एसेट को इस्तेमाल किया गया सेल करने के लिए ओके okay? तो जो सेल्स का रेवेन्यू आएगा उसके साथ उसकी कॉस्ट को सही तरीके से मैच किया जाएगा अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट है तो सर फिर वो तो पुरानी कॉस्ट है तो एवॉयड हैविंग टू पे हायर टैक्सेस सर ये फजूल बात है ऐसी कोई बात नहीं होती ठीक है अंदर खाते होती होगी लोग कहते होंगे यार एसेट की वैल्यू बढ़ा दो रिवोल्यूशन कर दो और जब आप रिवोल्यूशन करोगे तो रिवोल्यूशन करने के बाद आपकी डिप्रिशन ज़्यादा होगी खर्चा ज़्यादा माइनस होगा तो खर्चा अगर ज़्यादा माइनस होगा तो इसका मतलब है प्रॉफिट कम होगा प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होगा लेकिन सर आप ये बात भूल गए कि जब आप इस एसेट को बेचेंगे तो तब कहानी कुछ और होगी सरप्लस भी जो है वो कुछ होगा तो वो भी तो आपका रिटर्न अर्निंग में चला जाता है तो कोई इतनी वैलिड रीज़न नहीं है तो डी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन ट्वेंटी फोर इफ एन एसेट इंक्रीज इन वैल्यू द इंक्रीज इज नोटेड एज जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इंक्रीज को क्या करते हैं एन इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट इन द स्टेट ओ नहीं सर कहाँ एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो तो कहाँ हम प्रोफिट लॉस में लेके जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इनकम होती है प्रॉफिट लॉस को इंक्रीज करना एन इंक्रीज इन रिटर्न अर्निंग इन स्टेटमेंट ऑफ नहीं सर रिटर्न अर्निंग थोड़ी होती है एन इंक्रीज इन रिवेल्यूशन सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एंड अदर द स्टेटमेंट ऑफ जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है क्योंकि जो हम क्रेडिट करते हैं ना रिवेल्यूशन सरप्लस असल में ये अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में जाता है जी प्रॉफिट एंड लॉस में ये अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में जा रहा होता है तो जब ये प्रॉफिट एंड लॉस में अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में जाता है और वहां से होकर ही रिवेलूशन सरप्लस बैलेंस शीट में जाता है तो सी इज द राइट ऑप्शन अदर प्रॉफिट क्या होता है डी कुछ भी नहीं होता वन एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इज रिवेल्यूड वट शुड बी रिवेल्यूड नहीं जी वो कहते हैं कि जब आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिवेल्यू करना है तो क्या रिवेल्यूशन करनी है अ सेलेक्शन ऑफ एसेट्स डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट कुछ चंद एसेट्स जो मैनेजमेंट डिसाइड किए बस वो वैल्यू करेंगे द होल क्लास ऑफ एसेट्स टू विच इट बिलोंग्स आईफोन है जी तो सारे ही आईफोन है ए सी हैं तो सारे ए सी हैं गाड़ियाँ हैं तो सारी ही गाड़ियाँ हैं इसको बोलते हैं जी होल क्लास जिससे वो बिलोंग करता सब है सबको रिवैल्यू करना है बस एक ही एसेट कर दें पचास में से तीन ऐसे ही कर दें बाकी ना करें अ सिलेक्शन ऑफ एसेट्स पे ट्रेड एंड्रम कोई अपनी मर्जी के एसेट रिवेल्यू कर दो सर ऐसे नहीं होता अगर आपने एक चीज़ रिवेल्यू की है तो फिर आपको सारी की सारी चीज़ें रिवेल्यू करनी पड़ेंगी वो पूरी क्लास रिवैल्यू करनी पड़ेगी एक आईफोन कर दिया तो सारे आईफोन करें एक गाड़ी कर दी तो सारी गाड़ी करें ये नहीं हो सकता अपनी मर्जी से करते रहे बाइस अब तो आसान आसान शुरू हो गए थोड़ा ही पढ़ेंगे आज सर इनशाला आज एम सी के करेंगे कल आइस थर्टी सिक्स के एम सी के करेंगे वक्त बचा तो फिर कोई एक आधा सवाल कर लेंगे कोशिश मेरी यही है कि मंडे को जब ये बहाल होता है ना सारा कुछ तो फिर इन शाला फिर आइस ट्वेंटी थ्री बोरिंग कास्ट शुरू करते हैं वो वो आप सामने वो ज़रा बेहतर हो जाएगा आफ्टर इनिशियल बहरहाल ये भी प्लान में था हमारे एम सी की तो करनी थी हमने आफ्टर इनिशियल एन एंटिटी हैज़ टू चूज कॉस्ट एंड इनिशियल रिकोगनीशन के बाद जब आप एसेट को पहली दफ़ा रिकोगनाइज करते हैं तो आपने क्या करना है जी आपको कॉस्ट चूज करनी पड़ती है और साथ क्या चूज़ करना पड़ता है रिलइजेबल मॉडल रिप्लेसमेंट मॉडल रिवेल्यूशन मॉडल और कैरिंग वैल्यू मॉडल जी क्या चूज़ करना पड़ता है मेरे भाई जहरी बात है कॉस्ट uh, के साथ रिवोल्यूशन मॉडल ये देखना होता है ना कि कॉस्ट मॉडल है रिवोल्यूशन मॉडल है सबसे गुड मीवमेंट के लिए और रिवोल्यूशन गेन इस क्रेडिट क्रेड मतलब जो रिवोल्यूशन गेन आता है वो क्रेडिट किधर होता है रिवोल्यूशन तो रिजर्व में होता है यार नहीं हो रहा है अब ऐसी बातें परचेज एंड हजार सोलह पचास लाखफुलज्यून जनवरी दो हजार अठारह बैलेंस ऑफ अक्यूड्रीशन वॉज रुपीज वन मिलियन एसेट इज रीवैल्यूड एट रुपीज पैंतालीस लाख ऑन फर्स्ट जनवरी दो हज़ार अठारह स्टार्ट ऑफ ईयर बिजनेस एज अ पॉलिसी टू चार्ज स्टेट एट एप्रेन वट इज़ दमाउं यार ये वही सवाल है उसने आपको एक एसेट दे दिया ये कम जन थी सोलह पे जिसकी कॉस्ट थी पचास लाख यूसर लाइफ थी दस साल रेज वैल्यू थी जीरो उसके बाद उसने एक कम्यूनिटी डिप्रिसिएशन का बैलेंस बता दिया उसने रिवेल्यूशन बता दी तो इनकी रिमेंटल पूछ रहा है पूरी वर्किंग ऐसे बनाए निकाल लें वही रिपीट हो रहे हैं सवाल अगला सवाल भी देखें उन्नीस सौ भी सेम ऐसा ही है सॉरी मैंने आई थिंक बीस स्किप कर दिया है चले उन्नीसवा बीसवा सेम ही है मैं तो कहता हूँ अठारवां भी सेम है मैं तो कहता हूँ सतारवां भी सेम है ठीक है बीस में पूछ रहा है इनके रिमेंटलिएशन उन्नीस में पूछ रहा है अमाउंट और रिवल्यूशन सरप्लस ओ यार छा गया मेरा भाई कहां से उठाया टी बैग कहाँ से लिया ओ यार ना कर यार ऐसे देखिए अभी जन्नत में जो हमारा चाय का दरख्त है उसको कुछ ना हो जाए कि किसका टी बैग उठा लिया अभी जवानो क्या समझते हो सर तुम ही कॉफी पी सकते हो भाई चाय नहीं पी सकता ओए होए होए बाहर बारिश हो रही है चाय चल रही है और इधर क्लास हो रही है और तो आप लोगों तो का सी हो रहा है बीसवे में इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन उन्नीसवे में रिवोल्यूशन सरप्लस मांग रहा है अठारहवे में डेप्रिसिएशन चार्ज मांग रहा है और सतारवे में इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन मांग रहा है तो ये एक ही तरह की सब चीजें हैं भाई सोलवे में डेप्रीसिएशन चार्ज मांग रहा है तो छोटी छोटी कैलकुलेशन का सवाल है अच्छा यार वैसे कल को जी आना चाहे ना कोई पैदल पुदल आ जाए ठीक है नहीं नहीं सर ये मैं इनको कह कहना ठीक है मेरी तरफ़ से ज़्यादा था कोई पैदल अगर आस रहता ना उस तक मेरा पैगाम पहुँच रहा है तो कोई मसला नहीं आ जाए दो चार लोग अगर आना चाहें तो आ जाए मुझे कोई त्रराश नहीं है घर में कॉलेज वाले भी आने देंगे कोई ऐसी कबाहत वाली बात नहीं है तो अब तो वैसे भी मौस, माशाल्लाह मौसम तो आज ठीक हो गया आज मैं देख रहा था सर कितना हो गया है हवा में जो ये आलूगी है इसमें कुछ कमी हुई है नहीं मैं हुई है मेरे ख्याल में मैं अभी देख रहा था सुबह सुबह तो हवा में ना आलूदगी काफ़ी कम हो गई है सुबह फजर के टाइम हाँ सही बात है मेरा तो अपना ये देखें काफ़ी रिजिश करने के बाद अब बस हो गई थी तो मेरे भी हालात ख़राब हो गए खैर कोई बात नहीं कोई मसला नहीं जिंदगी का ऐसा ही है सर वैसे भी इन लोगों ने सीए करके पाकिस्तान में तो रहना नहीं ये माशाल्लाह अजीम लोग हैं हमारे इन लोगों को लगता है भाईजान बस बाहर जाएंगे मुल्क में भी जाएंगे वहां के वजीर साहब के लिए फूलों के हार लेकर खड़े होंगे अभी हम समोसे भी खाते हैं क्लास के बाद ठीक है बारिश का मौसम में समोसे खाते हैं और आप लोग पढ़ पढ़ो भाई आपके पढ़ने के दिन है समोसों की पड़ी हुई है ओके चलिए जी अब हम आएंगे सवाल नंबर पंद्रह पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है एन एंटिटी में प्रेजेंट पीपी ई ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और नेट कैरिंग अमाउंट अंडर आई सिक्सटी और नहीं सर ग्रॉस पे दिखाना होता है एक्यूमुलेटेड दिखाना होता है आई मी लुट मची हुई है ग्रॉस पे या नेट पे दिखा दो सर ग्रॉस के एक्यूमुलेटेड करना होता है माइनस इधर यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट्स आर टू बी डिस्कलोज बोथ आर नॉट रिक्वायर्ड हाँ वो नीचे हम क्या करते थे डेप्रिसिएशन रेट्स स्लैश यूजफुल लाइफ कोई एक चीज बताते थे अंडर रिवेल्यूशन मॉडल पी आर रिवेल्यूड एट एंड ऑफ ईच ईयर सर जरूरी नहीं है आपने देखना जरूर होता है पर इट इज नॉट अप्लाई रिविलई मॉडल नहीं, नहीं सर ये भी नहीं है हमने ऐसा बारहा देखा कि हमारे दो एसेट्स तो मॉडल है आई सिक्सटीन एनकरेजेस डिक्लोजर ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स माई फाइंड इट टू बी यूजफुल इसमें से कौन से डिस्कलोजर होने चाहिए द कैरिंग अमाउंट और टेम्प्रेरी आइडल प्लान प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट जो टेम्परिरी आइडल है वो बता दें द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी फुली डेपरीशियेटेड प्रॉपर्टी प्लाट इक्विपमेंट दैट इज स्टिल इन यूज़ ठीक है जी फुली डेपरीशियेटेड बताना होता है कैरिंग अमाउंट रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज़ एंड हेल्प फॉर डिस्पोजल जो एक्टिव यूज से रिटायर हो गया और डिस्पोजल के लिए हमारे पास मौजूद है वैन द कॉस मॉडल इज़ यूज द फेर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लाट इक्विपमेंट वैन दिस इज मटीरियल डिफरेंट फ्राम द कैरिंग अमाउंट और अगर कॉस मॉडल यूज़ हुआ है तो हमने क्या बताना होता है हमने फेयर वैल्यू बतानी होती है अगर मटीरियल डिफरेंट है कैनिंग अमाउंट से तो चलें जी देखते हैं डिस्क्लोजर में जाके एनकरेज है तो इसका मतलब है ये एडिशनल डिस्कलोअर्स की बात हो रही है एडिशनल डिस्कलोज हमने पढ़े थे पहुंचे जी सफा नंबर हाँ जी वन थर्टी सिक्स आई सिक्सटी एंड करेजेस डिस्कलोजर ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स माइट फाइंड इट टू बी यूजफुल द कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्परेली आइडल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो सर ये देखें ये ए जो है वन जो है यहाँ पे बन रहा है कि वन जो है वो बिल्कुल हमने बताना है द ग्रॉस कैनिंग अमाउंट ऑफ एनी फुली डेप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दैट इज स्टिल इन यूज तो सर फुली डेप्रिशिएटेड भी आपने बताना है तो मेरे ख्याल में सेकंड uh, भी आपने करना है वन और टू दोनों हो गए द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्प फॉर डिस्पोजल सर ये तो तीसरा भी आपने बताना है जो तो तीनों पहले तीनों हो गए वैन द कॉस्ट मॉडल इज यूज द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वैन दिस इज मटीरियल डिफरेंट फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट सर ये तो चौथा ही बताना है मेरे हेल में डी ऑप्शन वन टू फोर ऑल सारे बताने हैं तेरवा वैन द आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर स्टेटेड ए रीव अमाउंट दॉलोइ मस बी डिस्कलोज द एफक्टिव डेट ऑफ रिवेलूशन वेदर एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूर वॉज इन्वॉल्व यह दोनों बातें आपको पता है हम सब नोट वन में करते हैं फॉर ईच रिवेल्यूड क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट द कैनिंग अमाउंट दट वुड हैव बी रिकग्नाइजेट्स बीन कैडेड एंड द कॉट वॉटर क्या हम वो कैलकुलेट नहीं करते बुक वैल्यू क्या होती अगर रिवेलूशन ना होती तो सर वो भी हम इसके लिए भीत करते हैं रिवेल्यूशन सरप्लस इंडिकेटिंग द चेंज फॉर द पीरियड एंड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ये भी हमने बताना तो इसका मतलब है ये भी चारों चीजें हमने बतानी है और वन टू फोर ऑल डी ऑप्शन नॉन करंट एसेट कॉस्टिंग रुपीज दो लाख सोलह हजार एंड कैरिंग वैल्यू एक लाख पैंतालीस हजार इज रिवेल्यूड दो हाउ शुड रिव्यूशन रिकॉर्डेड ओके कैरिंग वैल्यू एक लाख पैतालीस हजार होगी दो इक्यानवे पे तो आप क्या करेंगे सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को फ़ारिग कराएंगे ओके एक्यूमोलेटेड डेप्रिसिएशन को फ़ारिग कराने के बाद आप क्या ओ, कितने से फारि होगी दो सोलह में से एक पैंतालीस निकाल दें तो एक्यूमुलेटेड आ जाएगी इससे एक्यूमुलेटेड को फ़ारिग कराएं और उसके बाद एक पैंतालीस और दो इक्यानवे का जो डिफरेंस है ये बनता है एक छियालीस एक छियालीस से एसड को बढ़ाएं और अपनी रिवलेशन सरप्लस को जमा करें वो कम कर दें इसने एंट्री इकट्ठी कर, कर दी है तो हम क्या करेंगे दो सोलह और एक पैंतालीस का डिफरेंस पैंतालीस पचपन पैंसठ सेवेंटी वन आई थिंक एसेट जो है एंट्री क्या होगी सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रीसी को एलिमिनेट करें सेवेंटी वन और एसेट क्रेडिट सेवेंटी वन उसके बाद एक पैंतालीस बुक वैल्यू से एसेट टू नाइनटी वन पर चला गया एक छियालीस तो एसेट को डेबिट करें वन फोर्टी सिक्स है और रिवेल्यूशन सरप्लस को क्रेडिट करें वन फोर्टी सिक्स के अच्छा उसने यहाँ पे क्या किया उसने नेट ऑफ कर दी एंट्रीज उसने वन फोर्टी सिक्स और सेवनटी वन को नेट ऑफ कर दिया ठीक है।, है एसेट अब देखें उसने क्या किया उसने एक उसने कहा डेप्रिसिएशन इसमें सेवनटी वन से डेबिट एसेट वन फोर्टी सिक्स से डेबिट हो रहा है और सेवनटी वन से क्रेडिट हो रहा है तो इसका डिफरेंस कितना बनता है इसका डिफरेंस बनता है सेवनटी वन सेवनटी फाइव का एसर को नेट डेबिट ही सेवेंटी फाइव से कर दो देखेंट अगर 146 से डेबिट हो रहा है और 71 वन से क्रेडिट हो रहा है तो नेट एसेट में जो डेबिट हो रहा है वो तो पचहत्तर है ना और रिवल्यूशन सरप्लस वन फोर्टी उसने इस तरह से आपको एक ही एंट्री बना दी है ठीक है तो देख लीजिएगा Which ऑफ द following इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर इक्विपमेंट अकाउंट ऑफ अ बिजनेस ऑन 1st जनवरी 2018? ओपनिंग बैलेंस सरप्लस एट स्टार्ट ऑफ ईयर कंपनी तो ठीक है सर ट्रीटमेंट आपको पता है जब भी एसेट हमारा डिस्पोज होता है तो हम उसका जो भी सरप्लस होता है वो हम ले जाते हैं किधर हम रिटर्न अर्निंग में ले जाते हैं तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ पे और ले जाइएगा कोई मुश्किल बात नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑप्शनल डिस्पोज रिक्वायरमेंट मईमेंट बेसिस डिप्रिसिएशन मेथड यूजफुल लाइफ द कैरिंग अमाउंट और टेम्प्रेली आइडल सर डी इज़ द ऑप्शनल पहले तीन आपने लाजमी करनी होती है और ये हम अपने नोट में करते भी हैं कंपनी रीवैल्यूडेट्स प्रॉपर्टी प्लाट इक्विपमेंट और यह का मेरे पास दो हज़ार नौ तो टू रुपीज ट्वेंटी जिसमें से आठ मिलियन जमीन थी तो बारह मिलियन बिल्डिंग हो गई द प्रॉपर्टी ओरिजिनल कॉस्ट दस मिलियन रुपीज़ टू मिलियन फार लैंड दस ही रहो दो ऑरिजनल यूजफुल इकोमिक लाइफ ऑफ चालीस साल इस द कम्पनी पॉलिसी टू मेक आर ट्रांसफर टू रिलायस प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स डेप्रेशन वर्ट इज द अमाउंट ऑफ बैलेंस इन रेडियो सरपी है सर इसमें कोई मसला नहीं है आपके पास दो एसेट्स हैं और एक की कॉस्ट है दस एक की है दो ठीक है लैंड को जो आपने रिवोल्यूशन करना है वो हमें पता है जी जब रिवोल्यूशन हुई होगी या कम अप्रैल दो हज़ार नौ को तो ये बात आपको पता है जी कि हमने आ, प्रोपोशनेट करना होता है वैसे उसने लगभग बताई दी आपको प्रोपोशनेट क्या करना है यहाँ पर जिसकी कॉस्ट दस थी आ, किस तारीख़ पर दस साल पहले डेपरीशियट करें उसको दस साल लैंड तो डेप्रिश नहीं होगी वो तो टू पे पड़ी रहेगी तो जब रिवोल्यूशन होगी तो टू मिलियन की लैंड आठ पे चली जाएगी बकाया जो बारह का गेन है वो आप ले जाएंगे दूसरे के अंदर बात बन जाएगी आठवां अ कंपनी री इट्स प्रॉपर्टी ऑन यम अप्रैल नौ टू ट्वेंटी मिलियन बस ठीक है इसमें इसने क्या इसने सेम सवाल है और इसने क्या है कि भाईजान बता दें कि प्रॉपर्टी जो है इकतीस मार्च को किस वैल्यू पर बतानी है ओके okay. सातवें पे आइए द कैरिंग वैसे ही सवाल है आठवां नौवा सेम है द कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड रुपीज एक सौ आठ मिलियन ऑन दिस डेट द प्रॉपटी वॉज रिवेल्यूड एंड वॉज डीम्ड टू हैव अ फेर वैल्यू ऑफ पचानवे मिलियन नहीं जी वैल्यू कम हो गई द बैलेंस ऑन द रिवेलूशन रिजर्व रिलेटेड टू ऑरिजिनल गेन ऑफ प्रॉपर्टी वो दस मिलियन दस मिलियन पढ़ा हुआ था वट इज दैलेंटी तो सर पहले सरप्लस खत्म होगा बकाया गेंद में चला जाएगा क्रेडिट आप क्या करेंगे एक्सेट करेंगे और क्या करेंगे क्योंकि कम हो रहा है ना छटे पे आइए कंपनी परचेज आ बिल्डिंग ऑन यकम अप्रैल दो हज़ार सात फॉर रुपीज टेन मिलियन द एसेट हैड ए यूजफुल इकनॉमिक लाइफ फ्रॉम द डेट ऑफ चालीस साल ऑन यकम अप्रैल नौ द कंपनी री वैल्यूड द बिल्डिंग टू इट्स करंट फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज़ बारह मिलियन सेम वही सवाल है रिवोल्यूशन की एंट्री पूछी हुई है मतलब तो शर्मिंदा हूँ कुछ ऐसा सवाल देख के क्या कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर पाँच द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट रिलेट्स टू आर प्रॉपर्टी विच इज़ जोन बाय मायरा लिमिटेड एज एट फर्स्ट अप्रैल दो हज़ार चौदह प्रॉपर्टी कॉस्ट दी गई एक्यूमलेटेड डेप्रिसीन दे दी गई और एकम अक्टूबर दो हज़ार चौदह फॉलोइंग अ सस्टेंड इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्राइस मायरा लिमिटेड रिवेलूड इट्स प्रॉपर्टी टू रूपीज टेन पॉइंट एट मिलियन तो मायरा लिमिटेड ने अपनी प्रॉपर्टी को टेन पॉइंट एट मिलियन पर रिवेल्यू कर दिया वट विल बी द डेप्रिए चार्ज इन मायरा लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड इकतीस मार्च दो हजार पंद्रह तो ठीक है जी डिप्रिसिएशन चार्ज आपने निकालना है रिवेलूशन करो रिवेलूशन हुई है ना हाँ बिल्कुल ही है बस उसके बाद डेप्रिश चार्ज निकालना है इसमें तो कोई मसला नहीं है ये आसान है शुरू वाले आसान आसान है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इफ द रिवोल्यूशन मॉडल इज़ यूज फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिवल्यूशन मस्ट सब्सिक्वेंटली बी मेड विद सफिशिएंट रेगुलरिटी टू इन्शोर दैट द कैरिंग अमाउंट इज नॉट डिफर मटेरियल फ्रॉम द फेर वैलू टीज रिपोर्टिंग डेट वो कहता है कि अगर आप रिवेल्यूशन पे हैं तो आपने रिवोल्यूशन को करना है इतनी रेगुलरिटी से ताकि आपको पता लगे कि आपकी जो फेयर वैल्यू है कैरिंग अमाउंट है और फेयर वैल्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट बराबर है ओके okay. वेन एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट इज रिवेल्यूड द इज़ नो रिक्वायरमेंट दैट द एंटायर क्लास ऑफ एसेस टू विच द आइटम बिलोंग्स बस बी रिवेल्यूड सर ये बात तो गलत है वो कह रहे हैं कि दूसरे में कह रहे हैं कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आपने एक आई फोन कर दिया तो सारे आईफोन करने सर ऐसी रिक्वायरमेंट है जब आप एक एसेट को करते हैं ना तो जिस क्लास से वो बिलोंग करता है फिर आपको वो सारे एसेट्स रिवेल्यू करने पड़ते हैं तो ऐसा नहीं है ये गलत है हाँ वन ठीक है कि आपने रिवेल्यूशन करने के बाद अपने एसेट को इस तरह से रखना है उसकी कैरिंग वैल्यू और उसकी फेयर वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर हो तो मेरे में one तो करेक्ट है लेकिन टू एंटिटी करीसरेचेज प्रॉपर्टी फॉर रुपीज मिलियन तो, तो छह में से पांच मिलियन की बिल्डिंग होगी की ज़मीन होगी। साल एंड इट्स रेजिड एक्सपेक्टेड लाइफ बिल्डिंग की पचास साल थी रेजिडल वैल्यू जीरो है 29 जून 2015 हज़ार द प्रॉपर्टी वाज रिवेलू टू सात मिलियन ऑब्वियस द लैंड एलिमेंट वाज 1.25 मिलियन एंड द बिल्डिंग वाज इतने अलग अदा कर दिया बिल्कुल ठीक है अंतीस जून सत्रह द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड व्हाट इज द गेन ऑन डिस्पोजल नहीं जी कोई मसले वाली बात नहीं है सिंपल सा सवाल है इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं आपने एसेड रिवैल्यूड एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया तो बस ठीक है गेन लॉस निकाल लें हाँ वो रूल्स आपको पता है कि वो मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि वैसे हमारा रूल है वी विल क्रेडिट दी एसेट अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ यहाँ पर होगा वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद द लेटेस्ट रिवेल्यूड अमाउंट जो लास्ट रिवेल्यूशन अमाउंट हुई होगी उस पर क्रेडिट करना है दूसरा है जी वी विल डेबिट द क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और उसमें क्या था जी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल यहाँ पर हम करेंगे रिवेल्यूशन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट रिवेल्यूशन टू डेट ऑफ सेल ओके ये बात थी बाकी अगली बात वही है दूसरा अडेंटिटी ओन्स टू बिल्डिंग्स ए एंड बी विच आर करंटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कैरिंग अमाउंट्स ऑफ रुपीजी एक लाख सत्तर हज़ार एंड तीन लाख तीस हजार रिस्पेक्टिवली बोथ बिल्डिंग्स हैज फॉलोज बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी एडेंटिटी करंटली हैज अ बैलेंस ऑन द रिशन सचास हज़ार विच अरोज वन बिल्डिंग ए वॉज रिवेलड गो बिल्डिंग बी हैज नॉट प्रिवेटिव इन रिवेल्यूड वर्ड डबल एंट्री विल नीड टू बेड टू रिकॉर्ड द रिवेलेन ऑफ बिल्डिंग ए एंड बी ठीक है जी अब आपके सामने आए रिवेलेशन सरपल्स को खत्म करें और बकाया लॉस में ले जाए जो भी है पॉइंट नंबर वन आइडेंटिटी परचेज अ प्रॉपर्टी पंद्रह साल गोट अ कॉस्ट ऑफ एक लाख एंड हैव बीन डेप्रीशिएटिंग इट एट अ रेट ऑफ दो परसेंट पर है ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस अडेंटिटी हैज प्रॉपर्टी प्रोफेशन एट पांच लाख वट इज द रिवेल्यूशन सरप्लस दैट विल भी रिकॉर्डेड कमाल होगी बात आपसे सरप्लस कैलकुलेट करवा तो आपने अगर पंद्रह साल पहले बिल्डिंग खरीदी थी डेप्रीशिएट करें बुक वैल्यू निकालें बुक वैल्यू निकालने के बाद उसको सरप्लस कर दें और सरप्लस निकाल दें सो दैट वॉज ऑल अबाउट द एम सी क्यूज उम्मीद है आपने आई एस थर्टी सिक्स के भी एम सी क्यूज़ कर लिए होंगे एम सी क्यूज़ भाई करने बहुत ज़रूरी हैं उसकी वजह यह है कि ये एम सी क्यूज़ ना पेपर में आते हैं ठीक है दस से बारह नंबर के ये लाजमी आते हैं इसलिए इनको आपने ईजी नहीं लेना आ, वैसे तो ये कॉन्सेपचुअल ही हैं आपके सामने है कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन तो इन्वॉल्व नहीं होती इसके अंदर आ, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस आपने इनकी करते रहना आई एस थर्टी सिक्स के एम सी क्यूज़ देखते हैं भाई कितने हैं इसके फोटी वन इसके थोड़े एम सी क्यूज़ हैं जी आ, और इसके हैं भी कम्पेरेटिवलीसान आसान इतने मुश्किल नहीं है तो ठीक है भाई मेरे ख्याल में काफ़ी अभी आप लोग नहीं हैं तो इतना ज़्यादा पढ़ाने का फ़ायदा कोई नहीं है तो एम हो गए हमारे प्लान में तो थे ही है तो कल इनशाला थर्टी सिक्स के एम सी क्यूज़ करते हैं जल्दी अगर हो गए तो देखेंगे कोई सवाल वगैरह कर सके तो इन शाला फिर जब आप लोग खैर खैर से पीर को आ जाएंगे तो फिर इनशाला बॉलिंग को स्टार्ट करेंगे ठीक है जी ख्याल रखिएगा